बजरंगी भाईजान के सीक्वल में मेकर्स कैसे भरेंगे जान? क्या थी बजरंगी भाईजान की वो पांच खूबी जिन्हें दोहरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जैन। दोस्तों, साल 2015 यानी कि 7 साल पहले सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज हुई। इस फिल्म में वो सारा मसाला था जो दर्शकों को थिएटर तक खींचने में कामयाब रहा। शानदार स्क्रिप्ट, दमदार किरदार, जानदार डायलॉग्स, भारत पाकिस्तान के इमोशंस, दिल को छू जाने वाले गाने, खूबसूरत लोकेशंस। डायरेक्टर कबीर खान ने जितनी खूबसूरती से इस अनोखी कहानी को पर्दे पर उकेरा, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब इस फिल्म का सीक्वल आने जा रहा है पवन पुत्र भाईजान, और मेकर्स के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इस तरह की फिल्म दोबारा बनाना बहुत बड़ा रिस्क भी है। चलिए बात कर लेते हैं उन पांच खूबियों के बारे में जो कि बजरंगी भाईजान की वाकई जान थी। तो सबसे पहले, इस कहानी में जो लोकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, मूवी का अहम हिस्सा। एक ऐसी कहानी जो दर्शकों को सिर्फ पसंद नहीं आई बल्कि उनके दिलों को छू गई। बजरंगी भाईजान को कुछ इसी तरह से बुना गया था, और कहानी जो फिल्माई गई थी, जो लोकेशन हमें दिखाई गई, वो काफ़ी शानदार थी फिल्म में। वैसे तो हिंदी सिनेमा में कई फिल्में बनी जो भारत पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी को दिखाती है, लेकिन कई ऐसी मूवीज भी हैं जो ये दर्शाती है कि भले ही मजहब अलग हो, मुल्क अलग हो, लेकिन दिलों में प्यार बेशुमार है। बजरंगी भाईजान ने इस इमोशन को बखूबी पर्दे पर उतारा। ये कहा जा सकता है कि पाक भावना को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एक्टर हैं जो किरदार में जान फूंक देते हैं। उनकी शानदार अदाकारी ने चांद नवाब को मुन्नी की तरह ही पॉपुलर बना दिया, और बात पॉपुलैरिटी की ही नहीं, बात दिल को छू जाने वाली भी है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बखूबी करते हैं। सलमान खान ने पिछले दिनों RRR के प्रमोशन इवेंट में कहा था कि बजरंगी भाईजान का सीक्वल आ रहा है। आपको कितनी उम्मीदें हैं और कितना वेट है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।